हेलो दोस्तों, स्टेनो हेल्प पीपी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, मैंने आप सभी को बोला था कि हम 5:30 बजे एक ऐसी वीडियो लेके आने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। और उसी वीडियो की सीरीज़ में आपने थंबनेल में पढ़ा, हम आपको कंपैरिजन बताने वाले हैं कि क्या स्टेनो की प्रोफाइल रहेगी एसएससी स्टेनोग्राफर, क्या डीडीए की प्रोफाइल रहेगी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की, और क्या स्टेट का स्टेनोग्राफर। और एट द लास्ट हम इस चीज़ को देखेंगे कि कौन सा स्टेनोग्राफर बेस्ट है, क्या स्टेट का बेस्ट रहेगा, क्या डीडीए का बेस्ट रहेगा, और क्या एसएससी का स्टेनोग्राफर बेस्ट रहेगा। ठीक है, इन सब सारी बातों को हम करेंगे इस वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल में नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूंगा एसएससी स्टेनो की, अर्थात एसएससी जो भारत सरकार का एक उपक्रम है जो हर वर्ष आपकी परीक्षा कराएगा। पूरा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, चलिए डिटेल से देखते हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है एसएससी की किसी भी इंडिविजुअल जॉब प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हैं कितना टाइम लगता है स्किल टेस्ट से लेकर ज्वाइनिंग तक का, सब आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में, प्लेलिस्ट में आपको नजर आ रही होगी, आप उस पर जुड़ सकते हैं। देखिए, सामने आपकी है उच्च गति स्टेनो बैक। अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रखी है। चलिए, एसएससी है आपका पहला, आपका यहाँ पर कॉम्पिटिटर है एसएससी। तीन कॉम्पिटिटर मैंने रखे हैं आपके सामने, एसएससी, डीडीए और आपका स्टेट बोर्ड। जो एसएससी है वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड बाय होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, अर्थात भारत सरकार इसे कम्प्लीटली कंट्रोल करती है। भारत सरकार का एक ये एग्ज़ाम है, भारत सरकार के माध्यम से ये एग्ज़ाम होता है और भारत सरकार के सारे सरकारी विभागों के अंदर जो आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की, उनमें जो भी एडमिशन होगा, उनमें जो भी नई रिक्रूटमेंट होगी, वो एसएससी के थ्रू होगी। ठीक है, स्टेनोग्राफर की। ठीक है, जो ये आपके ग्रेड सी, आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट हैं, कुछ पोस्टें ग्रुप बी की भी रहती हैं जो एसएससी फिलअप कराता है। ठीक है, ये बात भी, एसएससी किसके द्वारा कंट्रोल होता है, आपका कम्प्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, सारा ऐसे डीप एनालिसिस मैंने आपको कराने की कोशिश करी है इस वीडियो में, आप देखते रहिएगा। जॉब लोकेशन क्या होती है एसएससी की, बहुत लोगों का डाउट रहता है। तो जॉब लोकेशन जो एसएससी की रहती है, जो एसएससी की जॉब लोकेशन रहेगी, एसएससी की जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया रहेगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया या मोस्टली दिल्ली रहती है, और ऑल ओवर इंडिया भी कुछ बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे आपकी मैं बात करता हूँ सीबीडीटी, सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, और आपके आईबी, आपके कैग, इस टाइप की जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी ब्रांचेस हैं, वहां पर आपको इसकी ऑल ओवर इंडिया में पोस्टिंग मिल जाती है। ठीक है, ये भी बात। नेक्स्ट आता है आपका, ये किसके मीडियम के थ्रू होता है, क्या इसके लिए कोई एग्जाम होता है? जी हाँ, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, इसका हर साल एक एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है। मोस्टली हर साल आपको एग्जाम देखने को मिल जाते हैं और हर साल इसका एग्जाम होता है जिसे आपको क्वालिफाई करना होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, अगर कंप्यूटर में आप सीबीडीटी क्लियर कर देते हैं तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहता है, सीबीडीटी रहता है। दो फेज में ये रहेगा, आगे मैं बताऊंगा, एक प्री रहेगा, एक आपका स्किल टेस्ट रहेगा, मैं आपको आगे बताते रहूंगा। तो दो फेज में ये एग्ज़ाम होता है। इसकी अगर मैं सैलरी की बात करूं या ग्रेड पे की बात करता हूं, तो आपको इसमें तीन ग्रेड पे देखने को मिलेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर की सीरीज़ में, आपको तीन ग्रेड पे देखने को मिलेंगे। एक होता है ग्रेड सी और रहता है ग्रेड डी। ग्रेड सी में भी आपको दो ग्रेड पे देखने को मिलते हैं, 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे, और ग्रेड डी में मिलेगा आपको 2400 ग्रेड पे। तो इनकी जो एग्जैक्ट पे होती है, क्या पे होगी, अभी आप तो आई बटन में आपको दिख रही होगी वीडियो, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक, बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसकी जो क्वालिफिकेशन रहती है, इसकी क्वालिफिकेशन आपकी 12th रहती है। 12वीं अगर आपने करी है, मात्र 12वीं अगर आपने करी है, तो आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं, 12th रहेगी इसका। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपकी बारी, इसका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है। तो जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, मैंने बताया कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में आपको सबसे पहले प्री होगा। प्री का मैं थोड़ा सा आपको सिलेबस से रूबरू करा दूं, तो प्री के सिलेबस में आपको देखने को मिलेगा रीजनिंग, जीएस, जीके और इंग्लिश, तीन आपको सब्जेक्ट मिलेंगे। जनरल रीजनिंग, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन रहेंगे, और आपको इंग्लिश के क्वेश्चन मिलेंगे। जो रीजनिंग है उसके 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, जीएस, जीके के 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस रहेंगे, और इंग्लिश के 100 नंबर के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, 2 घंटे का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी होगी 2 घंटे के अंदर। जब आप इसको क्लियर कर लेंगे, एक मेरिट बनेगी, एक कट ऑफ बनेगी, अगर कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तो आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट क्या होता है, जो भी आपने स्टेनोग्राफी अगर जानते होंगे तो स्टेनोग्राफी सीखी होगी, तो उसका स्किल टेस्ट होगा, उसको आपको वहाँ पर टेस्ट होगा, उसको आपको लिखना पड़ेगा। अब स्किल टेस्ट बात करते हैं, दो लैंग्वेज में एसएससी आपको चॉइस देती है, या फिर आप हिंदी स्टेनोग्राफर बनिए, इंग्लिश स्टेनोग्राफर बनिए। अगर आप
इंग्लिश बनते हैं, तब आपको ग्रेड सी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन बोला जाएगा 10 मिनट के लिए। दोनों की आपकी कट ऑफ अलग अलग जाती है, ग्रेड सी की और ग्रेड डी की अलग अलग जाएगी। आप अगर दोनों को क्वालिफाई करते तो दोनों के लिए बुलाया जाएगा, ग्रेड डी को क्वालिफाई करते तो ग्रेड डी के लिए बुलाया जाएगा। तो इंग्लिश में आपको ग्रेड सी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट, ग्रेड डी में आपको 80 शब्द प्रति मिनट गति से, और हिंदी में भी आपको ग्रेड सी के लिए 100 शब्द प्रति मिनट और ग्रेड डी में आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का आपको डिक्टेशन बोला जाएगा। ठीक है, यहां तक आप समझ लीजिएगा। इसमें डिफरेंस कहां पर क्रिएट होता है, डिफरेंस होता है जब आप ट्रांसक्रिप्ट करते हैं इस पूरी वीडियो को, पूरा जो भी आपने लिखा उसे ट्रांसक्रिप्ट करते हैं, उसके बाद जो आपको टाइमिंग दिखती है उसमें थोड़ा सा आपको टाइम में डिफरेंस दिया देता है हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में आपको 80 शब्द प्रति मिनट में आपको 65 मिनट मिलेंगे, वहीं 80 शब्द प्रति मिनट में आपको इंग्लिश में 55 मिनट मिलते हैं, और जो आपका 100 शब्द प्रति मिनट है उसमें हिंदी में आपको 55 मिनट मिलेंगे और इंग्लिश में आपको 45 मिनट मिलेंगे। तो यहीं पर थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होता है। जो सेकंड डिफरेंस क्रिएट होता है वो होता है टाइपिंग फॉन्ट में। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है फॉन्ट में, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि SSC क्या फॉन्ट प्रोवाइड कराती है, तो SSC आपका इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन दोनों फॉन्ट आपको प्रोवाइड कराती है। इसके अंदर सारे फॉन्ट कवर हो जाते हैं मोस्टली, थोड़ा सा आपको कुछ दिन पहले आपको थोड़ा सा अपना कीबोर्ड में हाथ सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका कीबोर्ड सेम ही रहता है, कोई डिफिकल्टी नहीं आती। अगर आपने कुर्ती देव सीखी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मंगल सीखी है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने गेल सीखी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको थोड़ा सा कुछ दिन पहले आप अगर हाथ सेट करेंगे तो हाथ सेट हो जाएगा, ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ तक आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे पूरा प्रोसीजर क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, सब कुछ आप समझ गए होंगे आशा करता हूँ। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है पेपर लेवल का, पेपर का लेवल कैसा रहता है SSC का। तो जो पेपर SSC का लेवल रहता है, देखिए हर साल ही जॉब आती है और नंबर भी अच्छा रहता है, अच्छा खासे पोस्ट आती है और अच्छे खासे लोग भी इसे भरते हैं। ठीक है, और ऑल ओवर इंडिया है, तो इसलिए क्या है इसमें जो पेपर है इसका एवरेज कट ऑफ मानी जाएगी इन तीनों के कंपेरेबल, जो आपका स्टेट है, आपका DDA है और आपका स्टेनो है, ये SSC स्टेनो है, इन तीनों के कंपेरेबल में इसको एवरेज कट ऑफ मानी जाएगी। एवरेज है, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा कम, ठीक है, एवरेज इसकी रहती है। मैं बात करता हूँ जॉइनिंग से लेकर आपके पेपर स्टार्टिंग होने से पहले से लेकर जॉइनिंग तक का कितना टाइम लगता है, तो करीबन 1 से 1.5 साल करीबन आपका लग जाता है इस पूरी प्रोफाइल को सेट होने में, अलग अलग मिनिस्ट्रीज में जहाँ पर देंगे। पूरी मैंने बात आपको अदर वीडियोस में बताई है कि कितना क्या रहता है, किस तरीके से जॉब प्रोफाइल ज्वाइनिंग कैसे रहेगी, आप सुबह की वीडियो देख सकते हैं, पूरा आपको उसमें बताने की कोशिश करिए। तो 1 से 1.5 साल का समय इसमें लग जाता है करीबन। ठीक है, ये था आपकी SSC की बारी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ DDA की तरफ। ठीक है, DDA था दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आपको मैं लेके चलूँगा। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि जो DDA का फॉर्म है 15 तारीख तक उसकी डेट बढ़ा दी है, अर्थात 15 में, सही सुन रहे हैं आप, 15 में अभी ये फॉर्म रिलीज़ हुए थे, तो आप लोग इसे फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, इसके बारे में सुन लीजिए। इसके लिए डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो मैंने पहले से बना के रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो DDA का 15 मई तक लास्ट डे है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे भर लीजिएगा जरूर। जिसको स्टेनोग्राफर बनना है, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे भर सकते हैं, अभी भी डेट इसकी अवेलेबल है, 15 मई इसकी लास्ट डेट है, तो इसे भर लीजिए जल्दी से। ये जो है डिपार्टमेंट DDA, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि ये दिल्ली में आता है और दिल्ली के विकास प्राधिकरण है, दिल्ली का विकास करने के लिए ये एक यूजफुल एक संस्था है, तो ये आपकी भारत सरकार के अधीन ही आती है, क्योंकि दिल्ली एक केंद्र सरकार का संस्था है, क्योंकि ये क्या है, UT है, यूनियन केंद्र शासित राज्य है, तो इस कारण इसकी अथॉरिटी किसके पास है, अर्बन मिनिस्टर जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट है उसके अंदर ही आती है दिल्ली गवर्नमेंट, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर आपका सिलेबस जो देखेंगे आप SSC के इक्विवेलेंट ही रहेगा। बस इसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको जो नज़र आएगी कि आप लाइफ टाइम दिल्ली में रहेंगे, क्योंकि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो दिल्ली के विकास के जो भी काम होंगे, जो भी डिपार्टमेंट होंगे, चाहे नगर निगम, चाहे म्यूनसिपल की बात करूँ, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, हेल्थ आपका किसी से दिल्ली का हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ भी होगा, तो आप वहीं से रिलेटेड होंगे, तो आप हमेशा आपकी जॉब लोकेशन कहाँ रहेगी, दिल्ली में रहेगी। अदर डिपार्टमेंट में कुछ भी हो सकता है, आप SSC के थ्रू जाएंगे तो हो भी सकता है कि कहीं आपका ट्रांसफर करा दिया जाए, डेपुटेशन भेज दिया जाए, बट दिल्ली वाली चीज़ें आपको हमेशा दिल्ली में मिलेंगी। अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं या आप दिल्ली में ही रहना चाहते हैं, आप महानगर में ही रहना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छी जॉब है DDA वाली जॉब। ठीक है, हमेशा आप दिल्ली में ही रहेंगे। दूसरी चीज़ आती है इसका सिलेक्शन मीडियम क्या है, इसका भी सिलेक्शन मीडियम सेम SSC की तरह है, आपको CBDT देना पड़ेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा आपका, उसमें प्री होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद हम आगे करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम भी मोस्टली हर ईयर करा दिया जाता है, मगर गारंटेड नहीं है कि आपका हर ईयर एग्जाम कराया जाएगा, वैकेंसीज के डिपेंड करता है। SSC बड़ा है, बड़े लेवल पे है, तो इसलिए हर साल वैकेंसीज आई जाती हैं। DDA में ऐसा नहीं कह सकते कि हर साल, मोस्टली हो जाता है, बट कभी कभी नहीं भी आती हैं, पहले नहीं आया करती थी, अब लगातार आ रही हैं जब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हुआ है,
अब बात करते हैं इसकी ग्रेड पे की। देखिए इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मोस्ट, मतलब आप कहेंगे 80-90% जो इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है वो आपकी 2400 ग्रेड पे होती है। कभी कभी वैकेंसीज होती हैं जब आ जाती है। अगर मैं जनरल वे में कहूँ तो आपको 2400 ग्रेड पे ही इसमें देखने को मिलेगा मोस्टली। आपको 2400 ग्रेड पे की आपकी जो पोस्ट आएगी ग्रेड डी की, स्टेनो ग्रेड डी की जैसे SSC में रहती है, 2400 ग्रेड पे की आपको पोस्ट मिलेगी। इसमें भी क्वालिफिकेशन SSC की तरह आपके पास 12th होना चाहिए। 12th को आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम से पास किया होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्किल का मीडियम। जैसे मैंने बताया था स्किल का मीडियम, इसमें भी इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों प्रोवाइड कराए जाएंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का डिक्टेशन, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपको वही चीज देखने मिलेगी। टाइपिंग फॉन्ट में आपको यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि DDA केवल स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि टाइपिंग फॉन्ट को और भी अवेलेबल कराया जाए, बट अभी जो नोटिफिकेशन आया उसके हिसाब से आपको मंगल फॉन्ट आना चाहिए। ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपको हिंदी में मंगल फॉन्ट आता है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अगर नहीं आता, अगर सीखना चाहते हो तो सीख लीजिएगा, तब अप्लाई करिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें हिंदी में मंगल फॉन्ट मांगा गया है। हिंदी में मंगल फॉन्ट मांगते हैं रेमिंगटन, अर्थात रेमिंगटन फॉन्ट मंगल फॉन्ट को इन्होंने मांगते हैं। इंग्लिश में आपका जो रहता है वो क्या रहता है, टाइम्स रोमन। इंग्लिश में आपका क्या रहता है, टाइम्स रोमन इंग्लिश में रहता है। इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मैं बात करता हूँ इसके सिलेबस की। जो इसका सिलेबस रहेगा सेम SSC की तरह रहेगा। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, GS GK के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, और इंग्लिश का 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर के, ठीक है। 100 क्वेश्चन पेपर रहेंगे 100 नंबर के, तो ज्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी। बिल्कुल SSC का प्लेटफॉर्म है, SSC की तरह है, तो आप इजीली इसे कर सकते हैं। 200 नंबर के 200 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इसमें। इसकी मैं बात करता हूं पेपर लेवल की, तो थोड़ा सा मेरे कंपेयर जैसा मैंने एनालिसिस करा उसके आधार पर मैं इसे हाई कहूंगा, क्योंकि इसमें क्या है, नंबर ऑफ पोस्ट क्या है लिमिटेड है, और नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर स्टूडेंट्स जो है सबसे ज्यादा दिल्ली में है। दिल्ली में अच्छे बच्चे भी हैं और दिल्ली में बिल्कुल लो लेवल के भी बच्चे हैं, अच्छे लेवल भी है, मीडियम लेवल के। तो इस कारण वहीं पर रहने वाले बच्चे वहीं पर ज्यादा अपने आप को फोकस करेंगे। इसके लिए वहां की कट ऑफ ज्यादा जाती है, तो इसकी कट ऑफ हाई जाती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करूंगा तो जनरल की 155 गई थी, और हम बात करते हैं SSC की कट ऑफ की बात, तो SSC की कट ऑफ 134 गई थी। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, SSC की ग्रेड डी की कट ऑफ 134 गई थी और आपकी DDA की कट ऑफ 155 गई थी। तो इससे आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना इन दोनों में डिफरेंस है, क्योंकि ये दिल्ली की जॉब है, गारंटेड दिल्ली है, कहीं नहीं जाना, दिल्ली में ही रहना है। दिल्ली वालों के लिए तो बेस्ट जॉब रहेगी, 2400 ग्रेड पे भी आपको यहीं से मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कितना टाइम लगता है, सबसे अच्छी बात यह कि थोड़ा फास्ट काम करता है, 9 से 12 महीने के अंदर आपको पूरा कंप्लीट प्रोसेस करके दे देता है। अच्छी बात यह है कि आपको जल्दी से ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी और जल्दी से आपको सैलरी भी आपके अकाउंट में आने लगेगी, ठीक है। ये थी बात DDA की। अब मैं बात करता हूँ स्टेट बोर्ड की, फिर लास्ट में हम तीनों को एक साथ लेके देखेंगे। अब है बारी स्टेट बोर्ड की, ठीक है। स्टेनो LPP, आप सभी के लिए हमेशा तत्पर, सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बारी बात करते हैं स्टेट की। देखिए स्टेट का क्या है, स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं हर स्टेट की अपनी अपनी कंडीशन है। कुछ हिमालय राज्य हैं, कुछ हिली स्टेट्स हैं, कुछ मैदानी राज्य हैं, कुछ आपके साउथ के हैं, कोई नॉर्थ ईस्ट का है, कोई आपका ईस्ट का है, कोई वेस्ट का है। तो हर प्रदेश की, हर स्टेट की अपनी अपनी भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल आपकी कंडीशंस हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ सब कुछ देखा जाता है, वहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके हिसाब से वहाँ की लैंग्वेज क्या है ये भी डिपेंड करता है। तो इसी में हम बात करेंगे। तो जो स्टेट एग्ज़ाम होंगे, नॉर्मल सी बात है, सारे स्टेट एग्ज़ाम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे, उनकी जो एग्जामिनेशन बॉडी होगी उसके द्वारा कंडक्ट कराए जाएंगे। तो कंट्रोल्ड बाय स्टेट, इंडिविजुअली स्टेट के द्वारा कंट्रोल कराएंगे। इनकी जॉब लोकेशन क्या रहेगी, जिस भी स्टेट का एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ही इसकी स्टेट में रहेगी, ठीक है। इनका मीडियम क्या रहता है, डायरेक्ट मीडियम रहता है, या तो कहीं ऑफलाइन है या कहीं ऑनलाइन है, कहीं ऑनलाइन है कहीं ऑफलाइन है, दोनों में से कुछ भी मीडियम हो सकता है, स्टेट टू स्टेट ये वेरी करेगा, ठीक है। एग्जाम हर ईयर होता है नहीं होता है ये भी डिपेंड करता है स्टेट स्टेट वाइज। कोई स्टेट आपको रेगुलर वैकेंसीज प्रोवाइड कराता है, कोई नहीं कराता है, तो ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग तरीके से डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेट आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ जॉब सेल की, देखिए स्टेट काफ़ी सारी चीज़ों को कवर करेगा, तो आपको स्टेट में आपको बहुत सारे ग्रेड पे देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले लोएस्ट लेके चलता हूँ 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे। ये तीन ग्रेड पे, आप चार ग्रेड पे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको ये ईजिली मिल जाएंगे, ठीक है। आपकी बात करता हूँ इसके लिए, आपको कहीं पर किसी पोस्ट के लिए 12वीं की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या ग्रेजुएशन की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को ऊपर बताना भूल गया, SSC में आपको स्टेनोग्राफर का कोई सर्टिफिकेट देना नहीं होता, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं देना होता। DDA में भी आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्टेनोग्राफी का टाइपिंग का कोई लेके आएँ, बट स्टेट में अगर किसी किसी स्टेट में कंडीशन मांगी रहती है कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हर स्टेट में आपको यही मिलेगा, नोटिफिकेशन हर स्टेट में हर पोस्ट का अलग अलग आता है, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। अगर किसी में मांगा जाता है किसी में नहीं मांगा जाता, तो स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, स्टेट
कि मैं अलग से कभी सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूंगा। अगर आप लोगों को नीड होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। वैसे स्टेट में अलग अलग डिपेंड करता है कि स्टेट कैसा है और वो क्या मांग रहा है, ठीक है। किसी में आपको मांगा जाता है, किसी में नहीं मांगा जाता है। तो इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो 12वीं है, ग्रेजुएशन है, 12वीं या ग्रेजुएशन रहेगी, ठीक है। स्किल टेस्ट क्या है, किसी स्टेट में आपने देखा होगा इंग्लिश, किसी स्टेट में आपके नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ इंग्लिश ही देखने को मिलेगी, इंग्लिश स्टेनोग्राफर ही मिलेंगे। आप यहाँ पर जाएंगे नॉर्थ में तो आपको हिंदी ही देखने को मिलेगी, मिड में जाएंगे हिंदी देखने को मिलेगी, और आप मराठा जाएंगे तो आपको महाराष्ट्र जाएंगे तो आपको वहाँ मराठी आपको स्टेनोग्राफर भी देखने को मिलेंगे। तो स्टेनोग्राफर आपको अलग लैंग्वेज ही मिल सकती है। स्टेट के डिपेंड करता है कि किस किस लैंग्वेज की क्या है, और ये एग्ज़ाम कितनी गति में मांगते हैं, 80, 100, 120, 140, 160, ये भी डिपेंड कर देगा स्टेट के वाइज। कोई मतलब जिसे कह सकते हैं कि एक समान नहीं है हर जगह, हर स्टेट में अलग अलग है, तो इसलिए अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, हर स्टेट में अलग अलग वाइस आपको देखने को मिलेगा। सेम बात करता हूँ टाइपिंग फॉन्ट की, तो टाइपिंग फॉन्ट भी आपको अलग अलग स्टेट में अलग अलग मिलेगा। किसी में आपको हिंदी इंग्लिश में तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हिंदी में आएगी आपकी प्रॉब्लम कि आपको कुर्तिदेव कहीं मिलेगा, कहीं मंगल मिलेगा, कहीं गेल मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट वाइज की वहाँ पर किस तरीके की वैकेंसीज हैं, ठीक है, या किस तरीके से आपको पोस्ट को बनाया गया है, आपको मंगलदेव या कुर्तिदेव, स्टेट के डिपेंड करेगा, ठीक है। टाइपिंग फॉन्ट भी आपका स्टेट वाइज डिफर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका सिलेबस, तो आप किसी स्टेट में जीएस, जीके, रीजनिंग ये आ सकता है। स्टेट जो जिस स्टेट का एग्जाम है उसकी नॉलेज पूछी जा सकती है, हिंदी पूछी जा सकती है, इंग्लिश पूछी जा सकती है, मैथ्स पूछी जा सकती है। तो ये सब डिपेंड करेगा स्टेट टू स्टेट वाइज। तो स्टेट का जो भी ये सारा स्ट्रक्चर है ये पूरा डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एक स्टेट के लिए इंडिविजुअली हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे भारत के लिए बात कर रहे हैं, भारत के इन सारे राज्यों की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग अलग हो सकता है। तो इसलिए हम एक को बिल्कुल कहते हुए नहीं मान सकते हैं कि इसका इतना रहेगा। मैं पेपर लेवल की बात करूँगा तो हर स्टेट का पेपर लेवल मेरे अनुसार से SSC और DDA से काफ़ी हाई रहता है, काफ़ी टफ रहता है, क्योंकि स्टेट में आपको देखने को मिलेगा काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है। एवरेज से लेकर हाई तक मैं इसे लेके जाना चाहूँगा, ठीक है, एवरेज से लेकर हाई तक लेने जाऊँगा। और सबसे ज़्यादा जो इसमें प्रॉब्लम आती है स्टेट के एग्जामों में, तो कई स्टेट ऐसे हैं कि जो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं और चार पाँच सालों तक आपको प्रोसेसिंग टाइम में लटका के रखते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग टाइम लगने वाला है, कहाँ, स्टेटों में, स्टेटों में आपका सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगने वाला था। तो ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि स्टेट का एग्ज़ाम क्या रहेगा, आपका DDA का क्या रहेगा और आपका SSC का क्या रहेगा। एक बार मैं आपको बता दूँ, देखिए आपकी स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा, मैं थोड़ा सा ब्लॉक्स में आपको डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका SSC, DDA और आपका स्टेट। देखिए सबसे पहली चीज़ कौन सा बेस्ट है, देखिए अगर आपको सैलरी में जाना है तो आपको सैलरी स्टेट में भी 4600 ग्रेड पे मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, या आपको स्टेट में रिपोर्टर की तरह, या आपको APS पोस्ट होती है, ठीक है, या मैं आपको कहूँ इसके बाद आपको 4200 ग्रेड पे भी मिल जाएगी, 2400 भी मिल जाएगी और 2800 भी आपको यहाँ स्टेट में मिल जाएगी। DDA में आपको मोस्टली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है 2400 ग्रेड पे मिलती है, और SSC में आपको 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे और 2400 ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये थी सैलरी पे, मैं अभी बात कर रहा हूँ सैलरी के हिसाब से क्या बेस्ट है। तो मैं सैलरी के हिसाब से अगर बेस्ट की तरफ जाऊँ तो सैलरी के हिसाब से आपको SSC ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग देगा। अगर आप अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, अपने स्टेट की तरह अपने स्टेट में काम करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ ही रहना चाहते हैं, तो आपके लिए स्टेट बेस्ट है। स्टेट की तैयारी करिएगा, स्टेट स्टेनोग्राफर आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, तैयारी सबकी करिए, बट अगर बेस्ट पूछा जाए तो आप स्टेट में कर सकते हैं। सैलरी वाइज भी आपको स्टेट अच्छा प्रोवाइड करा देगा और SSC भी आपको अच्छी प्रोवाइड करा देगा, ठीक है। ठीक, यह होगी नॉर्मल स्टेट की बात, अगर आप पूरे भारत में कहीं पर भी रह रहे हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपके पास तीनों ऑप्शन खुल जाते हैं, तीनों ऑप्शन खुल जाते हैं। दिल्ली अपनी दिल्ली गवर्नमेंट भी अपने एग्जाम कराती रहती है, आपका SSC आपको दिल्ली में ही मिलेगा और होम स्टेट भी मिलता है, बहुत कम मिलता है बट दिल्ली में भी आपको चांस है, और DDA तो आपको 100% दिल्ली में मिलेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ दिल्ली के स्टूडेंट के लिए, जो DDA और SSC तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं दिल्ली से, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, ठीक है। मैंने बात कर ली इसकी, अब मैं बात करता हूँ पेपर लेवल क्या रहेगा। देखिए पेपर लेवल आपका क्या रहता है, सब में अलग अलग पेपर लेवल रहता है, SSC में, DDA में और स्टेट में। तो सबसे इजी मैं आपको SSC को नंबर दूंगा, SSC में आप इजीली अगर अच्छे से मेहनत करेंगे तो थोड़ा हो जाएगा, DDA में आपको थोड़ा सा और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और स्टेट में आपको थोड़ा सा ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। स्टेट में आपको, मैं स्टेट को सबसे ज़्यादा टफ के मामले में स्टेट को दूंगा, ठीक है, स्टेट में टफ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो अगर बेस्ट, अगर आपको आसानी से आपको समझ, ज़्यादा आपको अपने प्रेशर नहीं डालना है, तो आप SSC की तैयारी कर सकते हैं, SSC आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। तो अगर मैं बताऊँ टाइम कौन सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो स्टेट वाले एग्ज़ाम आपके सबसे ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करते हैं, सबसे ज़्यादा आपका टाइम स्टेट वाले लेंगे
और सबसे कम आपका DDA सबसे फास्ट आपकी ज्वाइनिंग कराएगा, और DDA कराने का काम करता है, DDA बहुत फास्ट काम करता है, तो DDA आपका रहेगा, ठीक है। कभी कभी कुछ एग्जाम हो जाते हैं डियर की जिसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई रिट डल जाए, कोई RTI डल जाए, तो उससे थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। बट मैं देखूँ वैसे तो अगर आपको ओवरऑल देखा जाए तो आपको DDA जल्दी एग्जाम कंडक्ट करा के प्रोसीजर कंप्लीट करके अगर सब क्लियर रहा तो आपको प्रोवाइड करा देगा। अगर केस हो जाता है, कोर्ट केस हो जाता है, तब तो डिले होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो नॉर्मली बात करी जाए तो DDA थोड़ा फास्ट करा देता है और कंपेरेबल में, ठीक है। ये होगी आपकी पोस्टिंग की बात। अब देखिए ये सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या है, आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, और आप किस अनुसार से देखेंगे। तो जो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या सही है, क्या स्टेट सही है, क्या DDA सही है, क्या SSC है, ये आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो आप लोग इसका निर्णय खुद लीजिएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है। कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट आपको अच्छा लगा। सबकी सब चीज़ सेम है। और एक चीज़ इनके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा सभी डिपार्टमेंट के साथ, देखिए आपको SSC के साथ क्या एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको सेंट्रल के थोड़ा अलाउंसेस मिल जाएंगे, सेंटर के थोड़ा अलाउंसेस आपको मिल जाते हैं। और DDA और SSC आपको सेम ही रहेगा, अलाउंसेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगी, जो भत्ते मिलेंगे TA DA सेम मिलेगा। और स्टेट में आपको अलाउंसेस तो मिलेंगे, थोड़ा सा मतलब कम मिलते हैं SSC और सेंटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। आशा करता हूं आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और अभी भी चैनल में नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।